हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है लक्ष्य और आप देख रहे हैं मीनिया टेकम। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैमसंग गैलेक्सी M30 के बारे में, जो रिसेंटली सैमसंग ने अपना फ़ोन लॉन्च किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। का बॉक्स जो है वो आपके सामने है सैमसंग गैलेक्सी M30 का। तो इसके ऊपर पीछे कुछ हाईलाइट स्पेक्स लिखे हैं। ट्रिपल कैमरा सेटअप है, इन्फिनिटी यू डिस्प्ले मिलता है। तो जल्दी से बॉक्स को खोलते हैं हम। सबसे ऊपर बॉक्स को जैसे ही खोलते हैं ऊपर मिलता है आपको पेपर वर्क मिल जाता है, कुछ टाइप सी एक डाटा केबल मिल रही है इसके अंदर, जो कि एक टाइप सी है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है कि आपको 15,000 के सेगमेंट में सैमसंग ने टाइप सी ऑफर कर रहा है। जो इसके अंदर बात करें हम लोग एडाप्टर की, वो आपको इसके अंदर मिलता है। आपको फास्ट चार्जर मिलता है जो सैमसंग S10 में आपको मिलता है, 15 वाट का फास्ट चार्जर, जो ये काफ़ी अच्छी बात है सैमसंग इस प्राइस रेंज में आपको ऑफर कर रहा है। और बॉक्स के अंदर आपको कोई एयरफोन्स नहीं मिलते और बस सिम इजेक्टर टूल मिलता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। फोन के बैक के बारे में बात करें तो प्लास्टिक डिज़ाइन मिलता है बैक साइड में, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्लॉसी लग रहा है। पीछे फिंगरप्रिंट सेंसर है, ट्रिपल कैमरा सेटअप है। साइड में वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, और आपको इसके अंदर पावर बटन मिल जाता है। जो डिस्प्ले है वो आपको 6.4 इंच का काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और ब्राइट डिस्प्ले मिल रहा है, जो कि एक यू शेप इन्फिनिटी यू डिस्प्ले के फॉर्म में आता है। जो डिस्प्ले है वो एक एमोलेड स्क्रीन मिलती है आपको, कोई नॉर्मल स्क्रीन नहीं मिलती, और 19:9 के एक्सपेक्ट रेशियो वाली मिल रही है। जो फ़ोन का डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेंट और वो कलर्ड लग रहा है, जो कलर्स आप एक्यूरेटली से देख सकते हैं काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि एक आपको एमोलेड स्क्रीन ऑफर हो रहा है इस प्राइस सेगमेंट में। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल जाती है, जो कि 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है, जो काफ़ी अच्छे कैमरा है सैमसंग का, सेंसर लगा है इसके अंदर। ऊपर ही आपको ईयरपीस मिल जाता है, और इसमें आपको फ्रंट में आपको पोर्ट्रेट शॉट्स वगैरह भी मिल जाते हैं। ट्रिपल स्लॉटेड फ़ोन मिलता है आपको इसके अंदर, ट्रिपल स्लॉट लगा सकते हो आप, कि आप दो सिम प्लस मेमोरी कार्ड यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। और इसके अंदर आपको प्री इंस्टॉल्ड काफ़ी कम ऐप्स मिलती है, जबकि ब्लोटवेयर जो है वो काफ़ी कम है। आपके फ़ोन पूछता है कि आपको कौन सी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और कौन सी आपको नहीं यूज़ करनी है, तो इस हिसाब से काफ़ी अच्छा आपको सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस इस बार सैमसंग के फ़ोन्स में मिलने वाला है। जो फ़ोन है वो क्लीन UI के साथ आता है, जो कि बहुत ही मिनिमम ऐप्स हैं जो प्री इंस्टॉल्ड है, और उन्हें भी आप अनइंस्टॉल कर पाएंगे, जैसे कि मैं करके बताता हूँ आपको। ये अनइंस्टॉल किया मैंने और ये अनइंस्टॉल हो गई हैं, तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि जो प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन है वो रिमूव हो सकती है। जो इसके अंदर प्रोसेसर मिलता है वो सैमसंग का 7904 मिलता है, जो आपको M20 में भी मिलता है। जो कैमरास की बात करें, ट्रिपल कैमरा सेटअप है 13+5+5 मेगापिक्सल का। जो 5 मेगापिक्सल कैमरा है वो डेप्थ सेंसिंग के लिए, और जो दूसरा 5 है वो एक अल्ट्रा वाइड एंगल है। 5000 mAh की बैटरी मिलती है आपको इसके अंदर, जो काफ़ी अच्छी है, और काफ़ी बड़ी बैटरी आपको 2 दिन के लिए काफ़ी अच्छी चलेगी। पीछे फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिल जाता है, जो कि आपका काफ़ी अच्छे से वर्क करने वाला है। डिस्प्ले की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा और वाइब्रेंट डिस्प्ले है इस फ़ोन का। जो मेन हाईलाइट है वो इस फ़ोन का डिस्प्ले और इसकी बैटरी है। इसके अंदर आपको ब्लू लाइट फिल्टर मिल जाता है, जो कि आईज़ को आपको कॉन्ट्रास्ट वगैरह फिल कर सकता है। तो एक कंप्लीट पैकेज के साथ सैमसंग ने इस फ़ोन को लॉन्च किया है। इसके कुछ कैमरा सैंपल्स मैं आपको नेक्स्ट वीडियो कंप्लीट रिव्यू वीडियो में बताऊंगा। फ्रंट में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिल रही है, ईयरपीस मिल रहा है ऊपर की तरफ, और जो बेजल्स मिल रहे हैं वो साइड में बहुत मिनिमम मिल रही है, और एंड्रॉयड ओरियो आउट ऑफ द बॉक्स ये अभी मिल रहा है फिलहाल। तो ये एक बहुत ही जल्दी इसमें आपको पाई का अपडेट मिल जाना चाहिए सैमसंग की तरफ से। तो बस दोस्तों, मुझे लगता है वीडियो पसंद आया होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना और कमेंट भी करना, और मैनिया टेकअप को सब्सक्राइब करना मत भूलना अगर आपने नहीं किया है तो। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।